हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने आपको H2SO4 एंड ओलियम गैस बताई थी, ओलियम एसिड बताया था। आज के लेक्चर्स में आपको हम फॉस्फोरिक एसिड बताएंगे, फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है। तो देखिए, पहले हम इसमें क्या करते हैं, फॉस्फोरेट रॉक को लेते हैं। इसके पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन को समझोगे। रिएक्शन समझने से पहले आपको बता दें, फॉस्फोरिक एसिड जो एक ऐसा एसिड है, इसका उपयोग औद्योगिक उर्वरक उद्योगों में किया जाता है, और इसका सॉप इंडस्ट्रीज एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में लेते हैं हम H2SO4, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, और फॉस्फेट रॉक को, ठीक है। तो इसकी क्या कराते हैं हम, क्रिया कराते हैं किससे, फॉस्फेट रॉक को किसके साथ क्रिया कराते हैं, जल के साथ और आपकी H2SO4 के साथ, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सो बताया था हमने आपको पिछले लेक्चर्स में। तो ये हम इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, रिएक्शन आप बैलेंस भी कर लीजिए, अगर बैलेंस ना हो आपको समझना है तो बैलेंस करके अपना से देख लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड आपका प्राप्त हो गया। कैसे बना वो हम प्रोसेसिंग में बताएंगे, और जिप्सम आपका अलग हो गया, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 42.4 डिग्री होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 213 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम सब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम यहाँ से हमारी क्रिया शुरू होती है, यहाँ से फॉस्फेट रॉक को क्या करते हैं हम, इसमें ये क्या है, रिंग वेल है आपका, रिंग वेल मतलब बॉल मिल की तरह है। फॉस्फेट रॉक को क्या करता है, ये रॉ पाउडर फॉर्म में बनाता है। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फॉस्फेट रॉक को यहाँ पर क्या डालते हैं, इसमें रिएक्टर है, ये रिएक्टर है, ये क्या लगे हैं आपके, ये जैसे आप मट्ठा फिरता होगा आपके, रई बोलते हैं ना, इस टाइप के आपके क्या होते हैं, ये मिलाने वाले होते हैं, मिक्सिंग टैंक में ये लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें हम H2SO4 को मिलाते हैं 93 से 98%। सो इसमें क्या करते हैं, अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। फिर मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें आपको यहीं पर आपका क्या बनता है, फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। कहाँ पर, रिएक्टर में, आपका रिएक्टर में बन जाता है। तो हम हमारा क्या बनता है, एक तो आपका जिप्सम बन गया, और आपका क्या बनेगा, वो फॉस्फोरिक एसिड। अब हम इसको इसमें फैन, ट्रेवलिंग फैन फिल्टर में ले जाएंगे। ये आपका जा रहा है ट्रेवलिंग फैन फिल्टर से जा रहा है ये आपका इसमें। तो ये ट्रेवलिंग फैन फिल्टर है, इसका क्या कार्य है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है, आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको अलग अलग करना होता है इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेवलिंग फैन फिल्टर से क्या करते हैं, उसको ऊपर से जल हॉट वाटर देते हैं, हॉट वाटर, और नीचे आपका क्या होता है, जिप्सम यहाँ पर जैसे यहाँ पर जम जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो आपका जो एसिड बना, फॉस्फोरिक एसिड बनना, उसको हम क्या कहते हैं, टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, और आपका जो फॉस्फोरिक एसिड जो जिप्सम बना, उसको हम क्या करते हैं, इसको वॉश करके क्या, सॉरी, इसमें बॉस कर वो आपका जिप्सम बना, उसको एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, जो आपका फॉस्फोरिक एसिड बना है उसको बॉस करके इस टैंक में प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिर से ये रिसाइकिल हो रहा है, क्या रिसाइकिल हो रहा है, आपका जो कि फॉस्फोरिक एसिड जो कि पूर्ण रूप से उपयोग में लाने के लिए नहीं है, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिसाइकिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे जो उपयोग में लाने वाला है, जो कि उपयोग में है, उसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल इफेक्ट एवैपोरेटर में ले जाते हैं। सिंगल इफेक्ट एवैपोरेटर में ले जाने के बाद आपका क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता मतलब इसमें शुद्ध क्रिस्टलीय फॉर्म में, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में प्राप्त करना होता है हमें क्या, फॉस्फोरेट एसिड को। तो क्रिस्टलीय फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हम इसको कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके मैंने कंसंट्रेशन क्या कर ली, 75% से 40% कर ली, ठीक है। तो हमें ये किससे प्राप्त करते हैं, सिंगल इफेक्ट एवैपोरेटर से, ठीक है। इसमें स्टीम लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ठंडा गर्म करते हैं, हॉट एयर देते हैं, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद H3PO4 आपका प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या रह गई आपकी, नेक्स्ट प्रोसेसिंग रह गई जो रिएक्टर से आपकी क्या निकलती है, रिएक्टर से जो वेस्ट गैस निकलती है, उसको हम क्या ले जाते हैं, फैन स्क्रबर में ले जाते हैं। उसको क्या करते हैं, जल से धोते हैं, ठीक है, जल से धोते हैं। धोने के बाद हम क्या ले जाते हैं, उसको स्लरी टू लेगोन में ले जाते हैं। इसमें जो भी उपयोग में ली जाती है, वो आगे प्रोसेस इंडस्ट्रीज में प्रयोग में जो भी वेस्ट गैसेस होती है, वो
प्रयोग में ली, यहाँ पर फिल्टर कर ली जाती है, मिक्स कर ली जाती हैं, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका क्या हो रहा है, ये वेस्ट जिप्सम वो भी इसमें चला जा रहा है, जो कि उपयोग में है जिप्सम, वो जिप्सम प्लांट में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, जो गैस बनती हैं उनको क्या कर लिया जाता है आपका, एक से एक टैंक में कलेक्ट करके उसको इंडस्ट्री में प्रयोग कर लिया जाता है। तो आपको ये बताइए, आपको ये प्रोसेसिंग आपको समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, जो आपके रिएक्शन फॉस्फेट रॉक को कहाँ पर लिया, आपके जो रिंग वेल जो कि बॉलमिल की तरह होता है उसको पाउडर फॉर्म में बनाना, उसको हम क्या करते हैं, जो फॉर्मिल पाउडर बनेगा उसको हम क्या करेंगे, रिएक्टर में लाएंगे, रिएक्टर में लाने के बाद हम क्या करेंगे, H2SO4 को रिएक्टर में लाएंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टर में ही आपका क्या बन जाता है, H3PO4 बन जाता है रिएक्टर में ही, और आपका जिप्सम भी बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये होता है आपका। अब जिप्सम और फॉस्फोरिक एसिड को अलग करने के लिए हम क्या ले जाते हैं, ट्रेवलिंग फैन फिल्टर में ले जाते हैं। ट्रेवलिंग फैन फिल्टर का क्या कर होता है, इसमें क्या होता है, उसको फॉस्फोरिक एसिड को अलग करना होता है और आपका क्या होता है, जो जिप्सम है उसको अलग करना होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो कि हमारा जो बनना है, जो प्रोडक्ट बनना है, जो फॉस्फोरिक एसिड बनना है, उसको क्या करते हैं, वीस एसिड मतलब बास करके हॉट वाटर से उसको धो के उसको क्या कर लेते हैं, एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, जो ठीक है ये टैंक है इसमें टैंक में, और उसका जो जो वेस्ट जो जिप्सम है उसको कहाँ ले जाते हैं, सिलरेजी टू लगन में ले जाते हैं, जो वेस्ट है, और उसके बाद जो उपयोग में है उसको कहाँ ले जाते हैं, जिप्सम प्लांट में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये रिसाइकिल हो रहा है, रिसाइकिल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी उपयोग में पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं है उसको हम रिसाइकिल करके उसी प्रोसेसिंग में बाहर से दोबारा से भेज देते हैं, जिप्सम को वो सॉरी फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरिक एसिड को क्या उसमें भेज देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो उपयोग में लाने वाला है उसको क्या करते हैं, सिंगल इफेक्ट एवेपोरेटर में ले जाते हैं। सिंगल इफेक्ट एवेपोरेटर का क्या काम होता है, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, सांद्रता मतलब जल की मात्रा उसमें बहुत ही ज़्यादा कम करना, ठीक है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में बनाना, ठीक है। तो ये काम होता है, स्टीम में क्या करते हैं, उसका जल अलग करते हैं, मतलब क्रिस्टली फॉर्म में बनाने के लिए, तो क्रिस्टली फॉर्म में बनाने के लिए इसकी कंडेंसेशन 75% हो जाती है, इसकी 40%, यहाँ पर 40% होती है, इसमें लाते हैं तो इसकी 75% हो जाती है। तो हमारा सिंपल सा कंडेंसेशन होने के बाद आपका PH3PO4 आपका प्राप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा मैंने जो भी दोबारा से आपको प्रोसेसिंग बताया, जो कि प्रोसीड ये आपको है दिखाई दे रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, गुड नाइट सभी को। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थैंक यू।